नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी के खिलाफ देश में तैयार होने वाले महागठबंधन की। जम्मू कश्मीर और नागरिकता कानून के बाद बीजेपी के तीसरे प्लान की। जानेंगे पंजाब में कांग्रेस की कलह में क्यों अपने लिए मौका देख रही है आप। पश्चिम बंगाल में हार के बाद बीजेपी का क्या है नया दांव। बात करेंगे यूपी बीजेपी के लिए योगी क्यों नहीं है ज़रूरी। राम मंदिर को लेकर एक और बड़े खुलासे की और बुलेटिन के आखिर में महंगाई के दौर में बढ़ती बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर जेडीयू की नज़र। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बयान, हम एनडीए का हिस्सा, मंत्रिमंडल में हमें मिले जगह, जल्द ही हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की थम नहीं रही मुश्किलें। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लंबी हुई कतार। मुकुल रॉय की मौजूदगी में अलीपुरद्वार के भाजपा जिला अध्यक्ष ने थामा टीएमसी का दामन। कई विधायक भी बदल सकते हैं पाला। वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में चौथे दिन भी समय पर शुरू नहीं हो पाया खेल। कम रोशनी और बरसात के चलते चौथे दिन भी खेल पर पड़ा असर। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 230 अंकों की मजबूती के साथ 52,574 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 63 अंक की तेजी, 15,747 अंक पर बंद हुई निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल का समय बाकी है, लेकिन विपक्ष 2019 वाली गलती नहीं करना चाहता। 2019 में अंतिम समय में महागठबंधन बनाने की तैयारी की गई थी, जिसमें सफलता नहीं मिली और बीजेपी आसानी से चुनाव जीत गई। इसलिए इस बार विपक्ष पहले से ही अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गया है और सभी की नज़रें कल यानी मंगलवार को दिल्ली में होने वाली विपक्ष की बैठक पर। तो किस किस दल को दिया गया है न्योता और किसके नेतृत्व में बन सकता है महागठबंधन, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने बता दिया है कि यदि बीजेपी को हराना है तो पूरी ताकत और एकजुटता से चुनाव लड़ना है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम मोर्चा को छोड़कर सभी विपक्षी दलों का समर्थन टीएमसी को मिला था और बंगाल चुनावों में बनी विपक्षी एकता को अब पूरे देश में कायम करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी के करीबी प्रशांत किशोर इसे लेकर बेहद सक्रिय हो गए हैं। उनकी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ 15 दिनों में 2 बार मुलाकात हो चुकी है। प्रशांत किशोर विपक्षी गठबंधन तैयार करना चाहते हैं और उन्हें पता है कि शरद पवार के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि पवार के हर दल से अच्छे रिश्ते हैं। प्रशांत किशोर ममता को केंद्र में रखकर गठबंधन बनाने की रणनीति बुन रहे हैं। पवार को इस गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। प्रशांत किशोर के साथ बैठक के बाद संकेत मिल रहे हैं कि पवार इसके लिए तैयार हो गए हैं। प्रशांत किशोर की रणनीति को शरद पवार का पूरा साथ मिल रहा है। पवार के सहयोग से यशवंत सिन्हा द्वारा बनाए गए राष्ट्र मंच के नेतृत्व में 15 दलों की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक अब मंगलवार यानी कल शरद पवार के घर पर होगी। राष्ट्र मंच गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन यदि विपक्ष एकजुट होता है तो राष्ट्र मंच के बैनर तले तीसरे मोर्चे का गठन हो सकता है। कल होने वाली बैठक में यशवंत सिन्हा, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, पवन वर्मा समेत कई और नेताओं के आने की संभावना है, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता बैठक में शामिल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस को इसमें शामिल होने का न्योता ही नहीं दिया गया। विपक्ष अभी से लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गया है, तो बीजेपी भी चुनावी तैयारियों में पीछे नहीं है। पार्टी 2024 से पहले अपने पुराने एजेंडे को पूरा करने में जुटी हुई है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिया गया, फिर नागरिकता कानून लागू किया गया और अब एक नए कानून की ओर भी पार्टी ने कदम बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। तो क्या है बीजेपी का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के साथ ही बीजेपी ने अपना एजेंडा देश में लागू करने की शुरुआत कर दी थी। 2014 में जब पहली बार केंद्र में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई तो पार्टी को सबसे ज्यादा परेशानी राज्यसभा में हुई, क्योंकि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक को छोड़कर पास कराने के लिए इसका दोनों सदनों में पास होना बेहद जरूरी होता है। बीजेपी लोकसभा में तो बहुमत के दम पर कोई भी विधेयक पास करा लेती थी, लेकिन राज्यसभा में बहुमत विपक्ष के पास था, इसलिए विपक्ष के आगे बीजेपी की एक नहीं चल रही थी। लेकिन 2019 के बाद स्थितियां बदल गईं। मोदी सरकार बड़े बहुमत के साथ फिर सत्ता में लौटी और इस बार राज्यसभा में भी बीजेपी के लिए बहुमत का आंकड़ा जुटाना आसान हो गया। 5 साल में बीजेपी के राज्यसभा सदस्यों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई। इसके साथ ही बीजेपी ने देश पर अपना एजेंडा भी लागू करना शुरू कर दिया।
इसकी शुरुआत हुई जम्मू कश्मीर से, जिससे विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया गया और इसे दो हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में। विपक्ष संभलता, इससे पहले नागरिकता कानून भी सरकार संसद में ले आई और ये कानून भी पास हो गया। इसके देश में विरोध तो हुए लेकिन सरकार एक इंच भी पीछे नहीं हटे और अब सरकार जनसंख्या नियंत्रण की संघ और बीजेपी की पुरानी मांग को पूरा करने की कोशिश में जुट गई है। राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार की योजनाओं में दो बच्चा नीति लागू की जाएगी, जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे राज्य सरकार की योजना में उसे लाभ नहीं मिलेगा। ये काम क्रमवार तरीके से किया जाएगा क्योंकि कई योजनाएं केंद्र की सहायता से चलाई जा रही हैं। बीजेपी के अंदर ये मांग भी उठ रही है कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का मतदान का अधिकार भी वापस ले लिया जाए। जाहिर सी बात है कि ये सब एक वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। असम और यूपी सरकार द्वारा किए गए ऐलान को केंद्र का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि केंद्र सरकार इन योजनाओं पर नजर बनाए हुए है। यदि इन राज्यों में इसका विरोध नहीं हुआ तो फिर केंद्र पूरे देश के लिए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर योजना ला सकती है। असम और यूपी में अल्पसंख्यक आबादी देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। असम में लगभग 32% और यूपी में 19% के करीब अल्पसंख्यक आबादी है। विपक्ष और बीजेपी दोनों ही 2024 की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 6 महीने बाद ही पंजाब विधानसभा का चुनाव भी होना है, जहां मुकाबला कांग्रेस, अकाली और आप के बीच माना जा रहा है। चुनाव से पहले ही कांग्रेस में कलह मची हुई है तो आम आदमी पार्टी इसमें मौका देख रही है। आपकी नज़र नवजोत सिंह सिद्धू पर है और सिद्धू की नज़र अमरिंदर सिंह की कुर्सी पर, तो किसके अरमान होंगे पूरे, देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस की परेशानी बढ़ती जा रही है। 6 महीने पहले तक राज्य में कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना बेहद आसान माना जा रहा था। किसानों के आंदोलन के चलते अकाली दल बीजेपी से दूर हो चुका था, लेकिन जनता भी अकाली दल से दूरी बना रही थी। आप राज्य में बेहद कमजोर हो चुकी थी। बीजेपी का तो झंडा बैनर भी कोई उठाने को तैयार नहीं था। कांग्रेस के लिए मैदान साफ दिख रहा था, लेकिन 2 महीने में स्थितियां एकदम से बदल गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के अंदर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती देना शुरू कर दिया। अकाली बीएसपी गठबंधन के ऐलान के बाद राज्य में हालत तेजी से बदले, जिससे कांग्रेस की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। कांग्रेस में कलह बढ़े और मामला सड़क पर आए उससे पहले कांग्रेस हाईकमान ने 3 सदस्यीय समिति बनाकर स्थिति संभालने की कोशिश की। सिद्धू को डिप्टी सीएम का पद भी ऑफर हुआ, लेकिन चुनावों से पहले इस तरह के प्रस्ताव को सिद्धू ने स्वीकार करने से मना कर दिया। उनकी मांग एक ही है कि कैप्टन को सीएम पद से हटाया जाए। सिद्धू भले ही खुद की दावेदारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि एक बार कैप्टन ने कुर्सी खाली कर दी तो उस पर वो आसानी से बैठ जाएंगे, लेकिन कैप्टन मजबूती से अड़े हुए हैं। कैप्टन और सिद्धू की लड़ाई एक बार फिर पार्टी हाईकमान तक पहुंच चुकी है, जहां दोनों की जल्दी पेशी होनी है। सिद्धू की नाराजगी को देखते हुए अब आप भी सक्रिय हो गई है। आपके पास इस समय पंजाब में ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरे राज्य में लोकप्रिय हो। केजरीवाल को मालूम है कि सिद्धू की लोकप्रियता पूरे पंजाब में है। केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। अमृतसर पहुंचकर उन्होंने पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब का सीएम कोई सिख ही होगा, दिल्ली से नहीं आएगा। इससे पहले जब 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान जब आपसे पूछा जाता था कि सत्ता मिली तो सीएम कौन होगा, तो पार्टी की ओर से कभी भी ये जवाब नहीं दिया गया कि सीएम पंजाब से ही होगा। इसका नुकसान भी पार्टी को हुआ। अब केजरीवाल ये गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल ने सिद्धू को पार्टी में आने का इशारा देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का वो बहुत सम्मान करते हैं, उनके बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। यदि सिद्धू से हमारी बात होगी तो जरूर सबको बताएंगे। केजरीवाल का इशारा साफ है, अब देखना है सिद्धू क्या फैसला लेते हैं। पंजाब में आप और कांग्रेस दोनों की नजरें नवजोत सिंह सिद्धू की रणनीति पर है। पंजाब में बीजेपी काफी कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टी पंजाब चुनावों की तैयारियां जरूर जोर शोर से कर रही है। तैयारी तो बीजेपी की ओर से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता को परेशान करने की भी चल रही है। बंगाल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने अब उसके विभाजन की तैयारी शुरू कर दी है, तो क्यों उठ रही है पश्चिम बंगाल की विभाजन की मांग, देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन चल रहा है।
गोरखालैंड की मांग तो नहीं मानी गई, लेकिन दार्जिलिंग और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों को कुछ अधिकार दिए गए। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन की स्थापना की गई, जिसके बाद कुछ समय गोरखालैंड की मांग कमजोर पड़ी, लेकिन अब बीजेपी के नेताओं ने एक नई मांग शुरू कर दी है। बंगाल के दार्जिलिंग सहित अलीपुरद्वार, कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग को बंगाल से अलग कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की जा रही है। यानी पश्चिम बंगाल के विभाजन को अब बीजेपी नेताओं ने हवा देना शुरू कर दिया है। बीजेपी सांसद जॉन बारला ने कहा है कि उत्तर बंगाल के विकास के लिए जरूरी है कि इस हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। वह इस मुद्दे पर क्षेत्र के अन्य सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तथा इसे संसद में भी उठाएंगे। बारला के इस बयान के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि बंगाल के किसी भी हिस्से को अपनी स्वतंत्रता नहीं खोने देंगी और न ही उसे दिल्ली पर निर्भर होने देंगी। बीजेपी सांसद की मांग का पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को तो यहाँ तक कहना पड़ा कि उनकी पार्टी के किसी भी सांसद ने बंगाल के विभाजन की बात नहीं कही, लेकिन दिलीप घोष की सफाई काम आते नहीं दिख रही है, क्योंकि घोष के दावे के बाद बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू विष्ट भी अलग राज्य की मांग के साथ खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर बंगाल को अलग राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आवाज बुलंद किए जाने की मांग को गलत नहीं ठहराया जा सकता। यानी साफ है कि बंगाल में मिली हार के बाद बीजेपी किसी मामले पर एकजुट नहीं हो पा रही है। बंगाल के विभाजन की मांग बीजेपी के दो सांसद कर रही हैं, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही इसके खिलाफ बयान दे रहे हैं। बंगाल बीजेपी में वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वैसे सिर्फ बंगाल बीजेपी में ही कलह नहीं मची, बल्कि पूरे देश में ही बीजेपी के अंदर कुछ ठीक नहीं दिख रहा। यूपी में 6 महीने बाद चुनाव है और राज्य में सरकार भी बीजेपी की है, लेकिन पार्टी के कई विधायक योगी के नाम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि चुनावों के बाद बीजेपी जीती तो योगी के जगह कोई और बनेगा राज्य का सीएम। तो क्यों योगी से खफा है बीजेपी नेता, देखिए ये रिपोर्ट। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सत्तारूढ़ बीजेपी में यूपी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। रविवार को बीजेपी दफ्तर में संगठन की मीटिंग में भाग लेने आए सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहकर इसे और आगे बढ़ा दिया कि चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय नेतृत्व ही यूपी में सीएम का चेहरा तय करेगा। बता दें कि स्वामी प्रसाद का यह बयान यूपी के डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद आया है। केशव प्रसाद मौर्य भी यह कह चुके हैं कि बीजेपी की परंपरा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ही सीएम फेस तय करता है, हम पहले केवल चुनाव जीतने पर ही फोकस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में सीएम फेस को लेकर नेताओं के अलग अलग बयानों से चुनाव से पहले यूपी में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुलकर सीएम योगी के कामकाज की तारीफ कर चुके हैं। उनका कहना है कि योगी के नेतृत्व में ही अगले चुनाव होंगे, तो अब इस तरह से एक ही पार्टी के लोगों से अलग अलग बयान आना इस तरफ इशारा करता है कि पार्टी में ही विचारों में सहमति नहीं है, या फिर ये सब सिर्फ जनता को भटकाने के लिए है। इन सवालों के जवाब तो चुनाव के बाद ही मिलेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या इस बार बीजेपी सत्ता में आएगी। यूपी में बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा। विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी में कलह मची हुई है, तो जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी यूपी में फिर केंद्र का चुनाव जीतना चाहती थी उसे लेकर भी अब वो फंसती दिख रही है। रोज मंदिर से जुड़ी गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं, तो अब क्या हुआ है खुलासा, देखिए ये रिपोर्ट। राम मंदिर बनने का ऐलान जिस दिन हुआ पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है धीरे धीरे इसमें घोटालों की खबरें भी सामने आ रही हैं। जनता की आस्था और भावना के साथ हुए खिलवाड़ का ऐसा नमूना सामने आया है जिसके बारे में अंदाजा तक नहीं लगाया जा सकता, और यही कारण है कि आज हर कोई सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन सरकार चुप है। पिछले कुछ दिनों से जमीन के मूल्य को लेकर विवाद छिड़ा हुआ था कि जमीन का दाम कुछ और है और दिखाया कुछ और गया है।
लेकिन अब इस मामले में एक और नई बात सामने निकल कर आई है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो जमीन मेयर के भतीजे दीप नारायण उपाध्याय से खरीदी थी वो नजूल की यानी सरकारी जमीन है। यहाँ तक कि ये जमीन फ्री होल्ड भी नहीं हुई थी। इस बात का खुलासा खुद बड़ा स्थान दशरथ महल मंदिर के महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने रविवार को किया, जिन्होंने दीप को महज 20 लाख रुपए में ये जमीन बेची थी। महंत ने आगे बताया कि ये जमीन उनके गुरु महंत के नाम थी मंदिर के लिए और नजूल की जमीन होने के कारण मैंने ये जमीन दीप नारायण को सस्ते में लिखती थी। उन्होंने बताया कि नजूल की जमीन पर कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए सोचा जो फायदा मिल रहा है वही बहुत है। महंत ने यह भी बताया कि उन्हें जमीन के लिए 30 लाख रुपए मिले थे जबकि इसकी लिखा पढ़ी 20 लाख रुपए में हुई थी। उन्होंने कहा कि जमीन को ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेचा गया। इस बात की जानकारी उन्हें नहीं थी। जब महंत से पूछा गया कि आपने ट्रस्ट को सीधे क्यों नहीं बेची तो उनका जवाब था कि ट्रस्ट मेरे पास नहीं आया, वरना मैं इसी कीमत पर उन्हें जमीन लिख देता। अब महंत के मुताबिक मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके भतीजे दीप नारायण उनके पास गए और महंत ने जमीन बेच दी, जिससे इस मामले में अभी साफ तौर पर मेयर और उनके भतीजे फंसते नजर आ रही हैं। अब इस पूरे घोटाले की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं ये तो धीरे धीरे ही सामने आएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती बेरोजगारी की। आज योग दिवस है, इस दिन प्रधानमंत्री ने देशवासियों को योग का संदेश दिया, लेकिन लोगों को योग नहीं काम का संदेश चाहिए, क्योंकि महामारी के चलते लोगों की नौकरी चली गई, ऊपर से महंगाई ने उनके लिए जीवन और भी मुश्किल बना दिया। देश में रोजगार की स्थिति को लेकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMI ने रिपोर्ट जारी की है। तो क्या है देश में रोजगार की स्थिति, देखिए ये रिपोर्ट। छोटे शहरों से लोग काम की तलाश में बड़े शहरों में आते हैं, लेकिन महामारी के चलते शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ही काम नहीं बचा। CMI ने एक अपनी रिपोर्ट में बताया है कि देश में बेरोजगारी की दर अभी भी 2 अंकों में बनी हुई है। जून महीने की शुरुआत में देश में बेरोजगारी दर 10.8% रही, लेकिन यदि दिल्ली NCR की बात करें तो यहाँ हालत बेहद मुश्किल भरी है। दिल्ली में हर दूसरे और हरियाणा में हर तीसरे आदमी को काम की तलाश है। दिल्ली में बेरोजगारी दर 45.6% तक पहुंच गई है। दूसरे नंबर पर हरियाणा है जहां बेरोजगारी दर 29.1%, तमिलनाडु में 28% और राजस्थान में 27.6% लोग बेरोजगार हैं। यानी इन राज्यों में लगभग हर तीसरे व्यक्ति को काम की तलाश है। केरल में 23.4% और पुडुचेरी में 24% लोग बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 12.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 9.8% तक पहुंच गई है। लोगों को काम मिल नहीं रहा है और विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि हालात सुधरने वाले भी नहीं है। महामारी के चलते अधिकांश काम धंधे बंद हैं। दूसरी लहर अब धीमी पड़ती दिख रही है, जिसके बाद धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जा रही हैं, लेकिन लोग अभी खर्च करने को तैयार नहीं हैं। उनकी चिंता स्वास्थ्य विशेषज्ञों के उस दावे ने बढ़ा रखी है, जिसमें कहा जा रहा है कि 4 से 6 हफ्ते में देश में महामारी की तीसरी लहर भी आ सकती है, जो दूसरी लहर की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। लोग डरे हुए हैं, इस कारण बाजार में ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। निगाहें मोदी सरकार पर हैं कि वो बाजार को बड़ी राहत का ऐलान करे, लेकिन जो स्थिति है उसमें साफ है, अब सरकार ने भी लोगों को भगवान भरोसे ही छोड़ दिया है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DV Live। नमस्कार।